अस्सलाम वालेकुम, स्टडी करेंगे 8.3 का बी पार्ट यानी कि इफेक्टिव प्रेशर डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। प्रीवियस टॉपिक में हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट की, उसका फॉर्मूला डिराइव किया कि हम किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं एयर में। एयर चूंकि गैस थी, अब इसी तरह हम एक जनरल ओवरव्यू देखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी गैस में स्पीड ऑफ साउंड को कंसिडर करना चाहते हैं तो प्रेशर किस तरह से इफेक्ट होगा, डेंसिटी का क्या इफेक्ट आएगा एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, विच विल बिकम इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। सो ये वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि इस मीडियम में होगी, अंडर रूट गैमा, गैमा एक टेम्परेचर कोफिशियंट है, पी हमारे पास प्रेशर है एंड जो पी है वो मीडियम का एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कहा गया कि प्रेशर का इस फैक्टर का वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करी है, टेम्परेचर कोफिशियंट विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट मीन्स इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट प्रेशर, जिसको अभी हमने बताना है कि किस तरह से ये इफेक्ट कर सकता है इस वेलोसिटी को, एंड देन ये है डेंसिटी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो इन दोनों के रिलेशन के बारे में पहले हमें बता सके कि प्रेशर का डेंसिटी के साथ किस तरह का रिलेशन है, क्या प्रेशर को इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या कॉन्स्टेंट रहती है या प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इसके लिए हम आइडियल गैस की इक्वेशन को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें पता चला कि पी इक्वल्स टू रो आर टी के बराबर है। अब ये आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट मींस ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर, हमें खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बात करें कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर से डेंसिटी पे क्या असर आएगा। तो जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें इट मींस टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, ये दोनों वैल्यूज हो गई कांस्टेंट। इट मींस कि अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी लगा सकते हैं कांस्टेंट को खत्म करके एंड सिर्फ रो बचेगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। इट मींस अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो जितना चेंज प्रेशर में आएगा उतना ही चेंज डेंसिटी में आएगा। तो अगर दोनों में उतना ही चेंज आ रहा है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि जितना उसमें चेंज आया उतना ही उसमें चेंज आया, तो कोई भी चेंज हमें स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं मिलेगा, नो चेंज। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसी तरह से हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा वेलोसिटी के ऊपर, वो जितनी थी वो उतनी की उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी का किस तरह से इफेक्ट होगा वेलोसिटी पर। अगेन हम लोग उसी फॉर्मूला को कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का है, विच इज इक्वल्स टू गैमा पी ओवर रो, और हम चेक करेंगे कि डेंसिटी किस तरह से इफेक्ट कर सकती है स्पीड ऑफ साउंड को। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूं कि बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है कि इफेक्ट बताएं स्पीड ऑफ साउंड का इन गैस, कि वो किस तरह इफेक्ट हो सकता है प्रेशर, डेंसिटी या टेम्परेचर से। तो आपको तीनों का थोड़ा थोड़ा आइडिया देना होता है। इसमें अब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। पहले केस में हम लोगों ने कहा कि चूंकि हम लोगों ने आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर टी को कांस्टेंट लिया, यहां पर अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट ले लें और टेम्परेचर ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट है और ये गैमा भी जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारी ये वी किस पे डिपेंड कर रही है, वन ओवर अंडर रूट रो पे। ऊपर सब कुछ हमने कह दिया कि ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो इट मींस कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ दैट डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हमने ऑक्सीजन को कंसीडर किया एंड देन हाइड्रोजन को, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर हमने कंसीडर कर। अब होगा क्या कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। अगर हम इसका ऑक्सीजन का मोलेक्युलर मास देखें तो वो है 16, जबकि हाइड्रोजन का देखें सिंगल एटम के लिए तो वो है 1। अभी हमने कहा
कि ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, मैस ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर स्पीड तो बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली भी अंडर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर आप इसको बढ़ाओगे यानी कि डेंसिटी को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम लोग 16 को पुट करें ऑक्सीजन के लिए तो ये क्या बनेगा, 1/√16 मीन्स 1/4। अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें तो 1/√1 विच विल बिकम 1। तो ये 1 है और ये 1/4 है। इट मीन्स जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी उसमें साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड उतनी कम होगी। तो हमारे हाइड्रोजन की स्पीड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन 4 टाइम्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी हाइड्रोजन की कम थी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो हमारे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आया कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सो ये स्क्वायर रूट का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो ये हमारा रिजल्ट है डेंसिटी के लिए कि अगर डेंसिटी चेंज होगी तो स्पीड पे किस तरह का इफेक्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर किस तरह का इफेक्ट कॉज कर सकती है वेलोसिटी के ऊपर। अब चूंकि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं साउंड के स्पीड पर, तो यहाँ पर अगेन वही इक्वेशन लिख लेते हैं। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। लेकिन अब इस इक्वेशन में हमें कहीं पे भी टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि जब कोई टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था, लेट्स सपोज 0 डिग्री टेम्परेचर, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये इक्वेशन किस तरह से थी कि वी नॉट अंडर रूट गैमा, प्रेशर उतना ही रहा एंड डेंसिटी हमारे पास रो नोड हो जाएगी, ठीक है। देन हमने कहा कि हमने कोई ना कोई इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई कर दी है, सो एट टेम्परेचर टी लेट सपोज, ठीक है, तो उस टाइम पर हमने कहा कि ये वी टी हो जाएगा, गैमा एज इट इज, पी एज इट इज, बट जो हमारे पास चेंज आएगा वो डेंसिटी में आएगा। क्यों डेंसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा था कि जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब वो क्लोज आते हैं तो उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और उनके क्लोज आने की वजह से हमारे पास जो डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। प्रेशर ज्यादा हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, और वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब है डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जो हमारे पास चेंज आया है, हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, अब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को चेंज करने से किस चीज पे इफेक्ट आ रहा है, डेंसिटी के ऊपर। अब एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई जो किसी खास टी टेम्परेचर पे, एक वो है जो हमारे पास नॉर्मल 0 डिग्री टेम्परेचर पे थी। अगर हम इन दोनों की रेशियो ले, तो अब हम रेशियो लेते हैं कि वी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास इसकी इक्वेशन है रो पी सॉरी गैमा पी एंड रो टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट रो सॉरी गैमा पी ओवर रो नॉट। यहां पर अगर हम देखें तो अंडर रूट गैमा पी और यहां पर भी क्या रहा है, अंडर रूट गैमा पी। इट मीन्स कि ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है अब अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें सारी टर्म्स को सेपरेट करके ताकि हमें कैंसिलेशन में आसानी हो, तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म से आ गया एंड नीचे वाली टर्म को हम रीअरेंज करते हैं और इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिनोमिनेटर में था और जब ये इसके भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रो नॉट आर पी। सो ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गए। रिमेनिंग फैक्टर्स को अब हम लिख लेते हैं, और रिमेनिंग फैक्टर किस तरह से आए, वी टी ओवर वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट रो नॉट ओवर रो टी। अभी भी हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा जिसमें टेम्परेचर कंसिडर किया जा रहा हो, तो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन के फॉर्मूला को देखें तो वो फॉर्मूला है वी टी, अब ये हमारे पास वॉल्यूम है ये वेलोसिटी नहीं है, इक्वल्स टू वी नॉट
1 प्लस बीटा एन टी। ये जो बीटा है हमारे पास ये कोफिशियंट है और इसकी वैल्यू है 1/273 एंड ये टी टेम्परेचर एज इट इज एंड हमने ये बाकी सारी वैल्यूज को लिख दिया। अब इसमें क्या होगा कि हमने चाहिए कि इस जो हमारी रो फैक्टर है इसको हम रिप्लेस करें टेम्परेचर से। तो अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई टी टेम्परेचर आ रहा है। अब इसको करना क्या है कि वेलोसिटी और वॉल्यूम का कोई रिलेशन बताना है हमने कि कोई क्या इनमें कोई रिलेशन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। किस तरह से? क्योंकि जो रो है वो बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, और अगर यहाँ से वॉल्यूम को सेपरेट कर लें चूंकि हमें वॉल्यूम गिवन है तो क्या बन जाएगा मास पर यूनिट डेंसिटी। और अगर हम इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा मास, चूंकि हम उसी एक गैस की बात कर रहे हैं उसी एक मीडियम को कंसिडर कर रहे हैं तो मास सेम रहा लेकिन डेंसिटी चेंज हो गई क्योंकि हमने टेम्परेचर को चेंज किया। देन यहाँ पर अगेन एम मास वही रहा क्योंकि मीडियम सेम था लेकिन अभी हमने टेम्परेचर को चेंज किया हुआ था इनिशियल कंडीशन में रो नोट आ गया एंड देन हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/273 एन टी एज इट इज। मास से कैंसिल, अगेन इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी कि वहां पर टेम्परेचर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और रो भी जिसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो रीअरेंज करने पर हमारे पास किस तरह से इक्वेशन बन गई, रो नॉट जो कि एक खास टेम्परेचर जो कि हमने डिग्रीज में कंसिडर किया हुआ उस पर एंड देन रो टी 1 + 1/273 एंड टी। अगर हम यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन को लिखें जो कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए है यानी गैमा सॉरी अब हम लोग इसको रो में लिख चुके हैं सो ये रो नॉट ओवर रो टी बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हमने इस रो नॉट की जगह क्या वैल्यू निकाली हुई है इसकी, रो टी 1 + 1/273 एंड टी अंडर रूट एज इट इज और ये रो टी एज इट इज आ जाएगा। अब ये रो टी और रो टी क्या हो जाएंगे कैंसिल, इट मीन्स कि वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है अंडर रूट 1 + 1/273 टी पे। अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे क्या बन गया 273 + t/273। इस 273 का हमें आइडिया है कि ये हम केल्विन में टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं सो हम इनिशियली इसको कह देते हैं कि ये कैपिटल टी है एट जीरो केल्विन क्योंकि जीरो डिग्री सेल्सियस पे अगर हम चेक करें तो वो 273 केल्विन के बराबर होता है एंड यहाँ पर कोई ना कोई टेम्परेचर जो किसी स्पेसिफिक टर्म पे आएगा टी पे। सो इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चला कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट को यहां पर भी हमने निग्लेक्ट नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये था हमारा रिजल्ट अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करें तो वो वेलोसिटी पे किस तरह से इफेक्ट कॉज करेगा। अब हम इसी वाली इक्वेशन को कंसीडर करके थोड़ी सी इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास एक कोई वेलोसिटी की ही बिल्कुल परफेक्ट सी वो इक्वेशन आ जाए जिसकी मदद से हम देख सकें कि डिफरेंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कंडीशंस तो उस पे वेलोसिटी क्या होगी। अब ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, अगर इस पर गौर करें तो हमारे पास ये वी वेलोसिटी है एट सर्टेन टेम्परेचर जबकि ये वी वेलोसिटी है वी नॉट जो कि हम लोगों ने एक एयर मीडियम को लेते हुए कंसिडर की थी। अब अगर हम ये कंपैरिजन करना चाहें कि अगर स्पीड ऑफ साउंड को देख रहे हैं हम एयर में तो क्या होगी और अगर वही वाली साउंड को हम लोग किसी और मीडियम में ट्रेवल करवा रहे हैं तो उसका कितना चेंज आएगा उस स्पीड से जो वो एयर में जब ट्रेवल कर रही थी। इसके लिए हम क्या करेंगे VT/V0 एज इट इज इसको हम लोग अंडर रूट की बजाय पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि 1/2 बन जाएगी। इसको बायनोमियल थ्योरम के जरिए हम एक्सपेंड करेंगे और वो बना 1 + 1/2 यानी कि पावर स्टार्ट में ये फैक्टर एज इट इज एंड टी जबकि हम हाईएस्ट पावर्स को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो हमें एक बहुत छोटी वैल्यू देंगी। यहां से अगर देखें तो वैल्यू क्या बन गई 1 + 1/546 टी।
विच इज इक्वल टू वी टी ओवर वी नॉट। अब हम वी टी को सेपरेट करना चाह रहे हैं, ये वी टी यहां से हटके बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी साइड पे। और इस वी नॉट को अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546। अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू लगाएं, और वो क्या है हमारे पास, चूंकि हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर चुके हैं इन एयर और वैल्यू थ्री 332, तो इससे पता चला कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वी टी का वो बराबर होगा वी नॉट प्लस 0.61 टी। इसका मतलब है कि अगर आप सिंपली स्पीड ऑफ साउंड को किसी एक एयर में ट्रेवल करते हुए देख रहे हो तो वो वी नॉट अपनी स्पीड बता रहा था, लेकिन उसी को अगर आप किसी और मीडियम में कंसीडर कर रहे हो तो उस वी नॉट में 0.61 इंटू दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा एंड देन हम उस स्पीड को कैलकुलेट कर सकेंगे। सो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक।